गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो बरखा जी, हाय निधि जी। हाय मीना जी, वेरी गुड आफ्टरनून। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने स्टफिंग प्रिपेयर की थी, आज हम उसको पूरा प्रोसेस करने वाले हैं, यानी कि सेंटरफील्ड चॉकलेट्स में उनको उसको कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मिल्क एंड डार्क चॉकलेट दोनों को मिक्स करके सेम क्वांटिटी में मेल्ट कर लिया है। देखो, आप कोई एक चॉकलेट भी ले सकते हो, यानी कि आप डार्क भी ले सकते हो या सिर्फ मिल्क भी ले सकते हो, बट मैंने दोनों को ही मिक्स किया है यहाँ पर सेम क्वांटिटी में। और यहाँ पर ये हमारी कल वाली स्टफिंग है जो हमने गनाश प्रिपेयर किया था, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, बाकी सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे धीरे धीरे। हम ये वाला मोल्ड आज यूज करने वाले हैं जो सिलिकॉन का है, कैविटी मोल्ड, ठीक है। इसको क्लीन कर लेती हूँ। अगर आपको ये मोल्ड चाहिए सेम क्वांटिटी का जो डीप चॉकलेट का होता है, ये वही वाला है, तो इसका लिंक मैं आपको इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। राइट, ये देखो कितना डीप है ये, तो इससे आप मिठाई चॉकलेट्स, इवन बोन स्टफिंग वाली चॉकलेट्स आप इसमें बना सकते हो। राइट, और इस आवाज क्लियर है सब लोगों को, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है सब लोगों को? ओके, थैंक यू मीना जी। तो जैसे कल वाले सेशन में हुआ था कि हम एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे और आप अगर आंसर दे देते हो और विन कर लेते हो उस आंसर का, सही आंसर अगर आप देते हो तो आप एक क्लास विन करोगे। राइट, वो भी अपनी चॉइस की, मतलब ये नहीं होगा कि उसमें हम बताएंगे कौन सी क्लास आपको देनी है। आप हमारे, हम आपके पास लिस्ट शेयर करेंगे, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और वो क्लास आप विन कर लोगे। राइट, तो हम कभी भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो लाइव में एंड तक बने रहना अगर आपको कोई भी क्लास विन करनी है तो। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सब लोगों को बेनिफिट हो, सब लोग फ्री में चॉकलेट्स बनाना सीख सके और अपना बिजनेस प्रॉपरली स्टार्ट कर सके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी कैविटीज बनाएंगे। कैविटीज यानी कि हमें क्या बनानी है, पहले शेल्स बनाने हैं। राइट, तो शेल्स बनाने के दो मेथड्स होते हैं, या तो आप सारी चॉकलेट्स इवन टॉप तक फिल करो और उसके बाद अपसाइड डाउन करके सारी चॉकलेट्स बाहर निकाल दो जो एक्सेस होगी, और फिर इसको सेट करने रख दो। राइट, बट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इस तरीके के बनाने वाले हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड होता है, इससे आपके चॉकलेट्स जो है ना ब्रेक डाउन होने के चांसेस कम रहते हैं। और जो वो अपसाइड डाउन वाला है ना, वो मैं सिर्फ बोन में ही यूज करती हूँ, क्योंकि जो चॉकलेट हम यूज करते हैं बोन में, प्योर चॉकलेट, वो थिक होती है। राइट, और उसका टेम्परेचर, जब हम उस टेम्परेचर पे उसको यूज करते हैं ना, तो वो थोड़ी थिक होती है, जिससे चीजें सही होती है। तो आई थिंक पांच ही बनेंगे इससे, तो पांच ही शेल्स हम यहां पर बनाने वाले हैं। अच्छे से टैप करो पहले। हेलो एवरीवन। राइट, अब हम लेंगे एक ब्रश, कोई भी ब्रश आप ले सकते हो। चॉकलेट के स्पेशल ब्रशेज आते हैं, ये मेरे पास छोटा वाला ब्रश है, इसमें और भी बड़े आते थे जो मैं पहले यूज करती थी, वो खराब हो गए हैं, ठीक है, एक ही बचा है, मुझे भी और लेने पड़ेंगे। अगर आपको भी ये ब्रशेज चाहिए हो, आप अगर चॉकलेट्स का काम करते हो या बिजनेस करते हो, ये ब्रशेज आपको यूज में आते हो, तो मुझे बोलना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। क्लियर है मैं कैसे बना रही हूं? राइट, मोल्ड को रोटेट कर सकते हो और इमल ने इसकी कैविटीज बना लो।
मतलब आपको इस जो भी कैविटी आप यूज कर रहे हो ठीक है उसके हर एक वॉल को अच्छे से कवर अप कर देना है चॉकलेट से। तो ये वाले शेल्स आप हमेशा यूज कर सकते हो स्टफिंग वाली चॉकलेट्स के लिए, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी। आप जरूर से ये मेथड ट्राई करो और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना ठीक है। और अगर आप हमारे सोशल मीडियाज पे नहीं हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो डिजायर डिलाइट चोको के नाम से, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब सब पर हैं हम। और चॉकलेट्स के अलावा अगर आप सारी टाइप्स की रेसिपी सीखना चाहते हो तो सरिताज रेसिपीज के नाम से हमारे सोशल मीडियाज के नाम है तो आप कर सकते हो। और अगर आपको चॉकलेट्स रिलेटेड चाहिए तो आप डिजायर डिलाइट चोको फॉलो करें। Just give me a moment. ओके तो ये हमारी बॉल्स अच्छे से रेडी हो गई हैं ठीक है। अब एक बार इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद आगे हम प्रोसेस करेंगे। हेलो रिंकी जी, हेलो शिखा जी, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एक पाइपिंग बैग लेंगे और हमारी जो फिलिंग है उसको फिल करेंगे। सबसे इजीएस्ट वे है ये कि आपको मतलब फिनिशिंग आती है आपके प्रोडक्ट में जो भी आप बना रहे हो। स्पून से डालोगे तो उतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आती है। तो सारी स्टफिंग हम यूज करेंगे क्योंकि हमारी 5 कैविटीज में ये पूरी होनी चाहिए। हेलो स्मिता जी, तो आप देख रहे हो ये थोड़ी सी ना लिक्विड कंसिस्टेंसी की है। अगर आपको थिक चाहिए तो आप इसमें जो हमने क्रीम का प्रोपोर्शन डाला था वो आप कम कर सकते हो, लेकिन ये जब अभी फ्रिज में हम इसको रखेंगे ना तो ये सेट हो जाएगी अपने आप। ओके सो ये हमारी कीप जैसे होती है वो रेडी है बिल्कुल।
शिखा जी अभी हम शेल्स बना रहे हैं। प्रोसेस अगर आपको पूरा देखना है तो आपको लाइव क्लास अगेन देखनी पड़ेगी एंड हो जाने के बाद, ठीक है। तो ये हमने बनाया, अब हम इसकी वोल्स को अगेन कोट करेंगे ताकि वोल्स थिक हो जाए, इससे चांसेस कम रहते हैं कि आपकी चॉकलेट ब्रेक होगी। अगर आपको ऐसी और भी फ्री क्लासेस अटेंड करनी है तो आप हमारे सभी सोशल मीडियाज को फॉलो करो, क्योंकि हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह पे फ्री लाइव क्लासेस लेते रहते हैं। जैसे अभी हमारी ये सेंटर फील्ड की चल रही है फ्री क्लास, तो और भी अगर आप करना चाहते हो तो आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हो ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। तो ये रेडी है, अभी कुछ सेकंड इसको बाहर ही रख देते हैं। चॉकलेट को गर्म पानी के ऊपर फिर से रख देंगे ताकि ये हार्ड ना हो जाए। अभी कोई क्वेरी है तो इतने आप पूछ सकते हो। पाइपिंग बैग में क्या डाला है? पाइपिंग बैग में कल वाली स्टफिंग डाली है हमने, जो कल प्रिपेयर की थी। हाय सोनिया जी, एस्प्रेसो फिलिंग मेड यस्टरडे इन लाइव क्लास। तो आज के क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी हैं? ओके, तो कुछ सेकंड एक बार इसको फ्रिज में रख देते हैं, फटाफट से सेट हो जाएगी ये तो। हुई रही है ओके, सब लोग रेडी हैं? ठीक है, अभी 5 मिनट के बाद हम हमारा क्वेश्चन पूछेंगे। तो स्टफिंग हमारी रेडी है, मतलब चॉकलेट की शेल्स हमारे रेडी हो गए हैं। हम इसको कट करेंगे, ठीक है, और इसे फिल करेंगे। तो मैं थोड़ी सी कम फिल करूंगी, अदरवाइज ये ना सब में आएगी नहीं, पूरी नहीं होगी मतलब।
अदरवाइज आपको मतलब टॉप तक फिल करनी है, लेकिन थोड़ी सी जगह आपको छोड़ देनी है ताकि आपकी चॉकलेट से कवर हो जाए, बाकी सारा पार्ट आपको इसको फिल करना है। ठीक है, तो जितनी स्टफिंग थी मैंने डाल दी है, और ये हमारी जो स्टफिंग है वो प्योर डार्क चॉकलेट की थी जो हमने कल बनाई थी। अब इसको हमें कुछ देर फ्रिज में रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसके ऊपर चॉकलेट की लेयर अच्छे से नहीं आएगी, वो मिक्सअप हो जाएगी। ओके, सो फ्रिज में हमने रख दिया है। पहले तो मुझे ये बताइए कि कल वाली स्टफिंग किस किस ने प्रिपेयर की थी। कल वाली स्टफिंग किस किस ने प्रिपेयर की है? किसी ने भी नहीं की? ओके, संडे को ट्राई करोगे आप? ठीक है, सब लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, मतलब फ्री में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप कम से कम फीडबैक शेयर कर सकते हो। ठीक है, और साथ में उसको ट्राई भी कर सकते हो, इससे आपका मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके हैंड में ही फिनिशिंग आएगी। तो चलो आज के क्वेश्चन की बारी आती है अब, तो सब लोग रेडी है? ओके, कोई बात नहीं शिखा जी। सब लोग रेडी हैं? टाइम आपको दिया जाएगा जैसा कि आपको रूल्स बताई हैं। वॉइस नहीं आ रही?
अभी अभी आ रही है। आज का क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा जैसा कि हमेशा हम करते आए हैं, ठीक है। और जिनका सबसे फास्ट रिप्लाई यानी कि सबसे जल्दी रिप्लाई जो करेगा और सही रिप्लाई करेगा वही क्लास को विन कर सकता है। क्लियर है? तो आज का क्वेश्चन है कि हमें मोल्ड को जब हम बनाते हैं चॉकलेट्स, तो किस तरीके से हम क्लीन करते हैं, पहले किस तरीके से फिनिश करते हैं, उसके बाद हम उसमें चॉकलेट पोर करते हैं। ये मैंने हर क्लास में बताया है आप लोगों को, रिपीट कर रही हूँ। चॉकलेट्स बनाने से पहले मोल्ड को क्लीन किस चीज से किया जाता है और कौन कौन से सब्स्टिट्यूट मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को कि क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। सब एक ही आंसर लिखो, जितने सब्स्टिट्यूट मैंने बताए हैं वो सब एक ही लाइन में लिखो और किसी का भी 2 बार आंसर नहीं होना चाहिए। वो सारे सब्स्टिट्यूट बताने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताए हुए हैं, उन्हीं से ही आप विन कर सकते हो। वेट पाइप, वोम वोम वोटर, एल्कोहल वाइप। सिर्फ 5 सेकंड पेंडिंग है। टाइम्स अप। बेड वाइप्स एंड बेबी वाइप्स और क्लीनिंग मोल्ड। क्लीनिंग मोल्ड शिखा जी आपने लिखा है। शिखा जी आपने लिखा है वेट पाइप्स, वॉर्म वाटर एंड अल्कोहल वाइप्स। अगर आप चॉकलेट बनाते हुए मोल्ड को वॉर्म वाटर से क्लीन करोगे या वाटर से भी क्लीन करोगे ना, तो आपकी चॉकलेट बन जाएंगी। नेक्स्ट मीना जी, वेट पाइप्स एंड बेबी वाइप्स और क्लीनिंग मोल्ड। क्लीनिंग मोल्ड क्या है ये? बेबी वाइप्स, कॉटन क्लॉथ एंड टिश्यूज। सिलिकॉन मोल्ड, तो सिलिकॉन मोल्ड को भी तो क्लीन करना होता है ना मैम। आज का जो आंसर है ना, मतलब सब लोगों के ऐसे कंफ्यूजिंग वाले हैं। टिश्यूज, कॉटन क्लॉथ, वॉटर इज हार्मफुल एंड एनिमी इन वॉटर। यस, एनिमी इन चॉकलेट। नहीं, देखो आंसर आप सब लोगों ने दिया, मतलब किसी किसी ने सिर्फ एक एक पॉइंट्स बताया, और जबकि मैंने बोला था कि सब लोग पूरे सब्स्टिट्यूट के साथ बताएंगे जो जो चीजें मैंने आपको बताई हुई है, राइट। बट किसी का भी प्रॉपरली आंसर नहीं है। कोई बोल रहा है कि वॉटर के साथ क्लीन कर सकते हैं, कोई बोल रहा है मैम फर्स्ट आंसर इज वेट पाइप था। शिखा जी वो था, बट सब्स्टिट्यूट भी मैंने बोले थे ना कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर सपोज कि आपके पास वेट पाइप्स नहीं है या एंड टाइम पे खत्म हो गई है,
तो क्या मोल्ड को क्लीन नहीं करोगे? मोल्ड को क्लीन तो करना ही है ना हमें किसी ना किसी चीज से। अब मेरी वेट वाइप्स नहीं मिली थी, मैंने कॉटन क्लॉथ से क्लीन किया है आप लोगों के सामने ही। अगर डायरेक्टली वॉइस आ रही है सब लोगों को, ओके एक बार इतने आप वेट करो, मैं अपना चॉकलेट का मोल्ड देकर आती हूँ, वो सेट हुआ है नहीं हुआ उसके बाद हम इस पे बात करते हैं, राइट? तो ये हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है, देखो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट पोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब पेंडिंग जो स्पेस है इसमें उसमें हम चॉकलेट पोर करके इसको कवर अप कर देंगे। जो कॉर्नर है उसको अच्छे से फिलअप करो। थोड़ी थोड़ी चॉकलेट बाहर निकाल दिया करो ताकि अगर होल्स भी होंगे ना तो वो इससे क्या होगा कवर अप हो जाएंगे, कहीं होल्स रहने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। थोड़ा सा स्पेस मेरी चॉकलेट में ज़्यादा था, मैंने आपको बताया था कि स्टफिंग हमारी कम थी तो कम डाली है जिसकी वजह से चॉकलेट ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, ठीक है? आप स्टफिंग टॉप तक ले सकते हो। अब इसे फिर से फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए जब तक ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगी और डीमोल्ड हो जाएगी, राइट? ओके तो अब हम उस बारे में बात कर सकते हैं। शिखा जी आपने ठीक है पहले इनकम्प्लीट लिखा लेकिन उसके बाद भी तो आपने सही आंसर नहीं दिया ना। वॉर्म वाटर से अगर आप करोगे तो आपकी चॉकलेट हार्ड हो जाएगी, ठीक है? मॉइस्चर आ जाएगा उसमें,
कोई चॉकलेट परफेक्ट नहीं बनेगी आपकी, तो ये भी आंसर रॉन्ग है. नेक्स्ट मीना जी का वेट वाइप्स एंड बेबी वाइप्स और क्लीनिंग मोल्ड, ये भी इनकम्प्लीट आंसर है. मालविका जी का बेबी वाइप्स कॉटन क्लोथ एंड टिश्यूज, ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई है. तो इसके अलावा आई थिंक किसी और का और कंप्लीट नहीं है, ये तीन ही थे जो कंप्लीट थे. जी आपने जब क्वेश्चन कंप्लीट किया उससे पहले ही मैंने आंसर दिया था जो इनकम्प्लीट था. शिखा जी ऐसे मत किया करो, पहले क्वेश्चन पूरा सुना करो उसके बाद ही आप लिख सकते हो. अगर इस तरीके से करोगे ना तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा इनकम्प्लीट आपने लिखा लेकिन क्वेश्चन तो आपको पूरा सुनना चाहिए था ना कि क्या क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं. अदरवाइज फिर मैं इतने टफ टफ क्वेश्चन लेकर आऊंगी फिर आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इससे अच्छा आप लोग ऐसे मत किया करो. आज का प्राइज आपका, आज के विनर आप. ओके थैंक यू सो मच. हाँ आज वैसे कोई विनर नहीं है यहाँ पर क्योंकि सबके आंसर ही इनकम्प्लीट है और रॉन्ग है किसी के आंसर, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ सो डैट कि आपको इन फ्यूचर काम आए. ठीक है आप यूज कर सकते हो. यस थैंक यू मीना जी. तो आप यूज कर सकते हो बेबी वाइप्स जो कि मैं हमेशा यूज कर करती हूँ. ठीक है एल्कोहल वाइप्स, वैसे प्रोफेशनली एल्कोहल वाइप्स ही यूज होती हैं मोल्ड को क्लीन करने के लिए, चाहे वो सिलिकॉन है पीवीसी है या फिर पॉलीकार्बोनेट मोल्ड है. बट मैं अल्कोहल यूज नहीं करती हूँ इसलिए मैं बेबी वाइप्स यूज करती हूँ. राइट वेट वाइप्स वो एक ही बात हो गई, बेबी वाइप्स हो गई या अल्कोहल वाइप्स हो गई उनमें से. एंड आप किसी भी क्लोथ का यूज कर सकते हो, कोई भी क्लोथ हो कॉटन का वो आप यूज कर सकते हो, कॉटन भी यूज कर सकते हो बट उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो लग भी सकती है आपके मोल्ड में. उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कहीं उसके फर लगे ना हो. ठीक है ये सब चीजें यूज कर सकते हो, टिश्यू पेपर्स भी यूज कर सकते हो. तो ये सारे आंसर आपको बताने चाहिए थे तो वही विनर होता, बट आज कोई भी विनर नहीं है. तो होप सो कि आप नेक्स्ट फ्री क्लास में जरूर से एक और फ्री क्लास जीतोगे. तो मैं आपके लिए देखो कितने सारे बेनिफिट्स लेकर आई हूँ, तो आप इसका एंजॉय करो और बेनिफिट्स भी लो बट ध्यान से सुनकर. ठीक है लाइव क्लासेस पूरी अटेंड किया करो ताकि आपको पता चले कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर करते हैं और वही एक क्वेश्चन बन के हम अगली क्लास में पूछ भी सकते हैं, जिससे आप फ्री क्लास मतलब कोई भी फ्री क्लास ले सकते हो हमसे. ठीक है तो ये सारे बेनिफिट्स हैं. अभी हमारी चॉकलेट सेट हो रही है, अगर आपको वेट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसकी फोटोज अपलोड हो जाएंगे हमारे सोशल मीडियाज पे. किसी का कोई भी क्वेरी है किसी का कोई भी क्वेरी है तो फटाफट से पूछ लीजिए, फिर हम इस लाइव सेशन को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई फ्री लाइव क्लास के साथ. वो यूट्यूब पे भी हो सकती है, फेसबुक पे भी हो सकती है और इवन इंस्टाग्राम पे भी हो सकती है. तो तीनों पर आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आप कहीं से भी मिस आउट ना कर पाओ. किसी का आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस क्लास को यही एंड करें. ओके कोई अगर फिर भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम पे हम सारे क्वेरीज की रिप्लाई करते हैं. डिजायर डिलाइट चोकू के नाम से हमारा अकाउंट है, वहां पर फॉलो करो और वहां पे आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन द सेशन एंड बाय बाय.